हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। 12वीं के बाद क्या करें, आज मैं आपसे फार्मेसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि 12वीं के बाद होता है। फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी में अपन किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फार्मेसी के रोल क्या क्या हैं, आदमी के बारे में बात करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी से क्या अपन बन सकते हैं, अपन को जॉब कहाँ मिलेगी, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कितने साल का करना पड़ेगा, क्या उसकी जॉब पॉसिबिलिटी है, आज मैं वो बात करना चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब होता है जहाँ ड्रग से रिलेटेड है, दवाओं की स्टडी करते हैं, दवाओं को प्राप्त करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स से अगर अपन देखें तो पेड़ों से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं, जहाँ से भी अपन ड्रग्स प्राप्त करते हैं उनका फिर परिमार्जन करते हैं, उनको फिर अपन काम में लेने योग्य बनाते हैं। वो सब अपन स्टडी यहाँ पे करेंगे। फिर दवाइयाँ बनाते हैं तो उनको जैसे कोई भी फॉरम में देना हो, टेबलेट होती हैं, टेबलेट को सब जानते हैं, कैप्सूल्स इंजेक्शंस जिनकी फॉरम में देनी होती है उनकी अपन स्टडी करेंगे। उन चीज़ों के अलग अलग सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। तो आइए अपन बात करते हैं इस चीज़ में, शुरुआती कहाँ से हो, शुरुआत कहाँ से करें। तो अब तुम देखते हैं कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी अपना मेन फोकस इस पर रहने वाला है। डी फार्मेसी की बात करें तो डी फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स है, बी फार्मेसी बैचलर कोर्स है। डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी। अगर अपन बात करें डी फार्मा की तो डी फार्मा 2 ईयर का कोर्स है और बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, डी फार्मा की जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बी फार्मा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अब थोड़ा डिस्कशन अपन इस चीज के ऊपर कर लेते हैं। डी फार्मा से अपन मेडिकल खोल सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर जा सकते हैं जहां पर की ड्रग्स बनती हैं। फार्मेसी अगर अपन बी फार्मा करें तो बी फार्मा के बाद भी अपन मेडिकल खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर जा सकते हैं। अब डी फार्मा और बी फार्मा अपन को पता है कि डी फार्मा से भी अपन मेडिकल खोल रहे हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, और बी फार्मा से भी अपन मेडिकल खोल रहे हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, फॉर्मुलेशन में जा रहे हैं। तो डी फार्मा, बी फार्मा क्यों जरूरी है और डी फार्मा क्यों जरूरी है, और थोड़ा डिस्कशन अपना इस बात पर फोकस रहेगा कि बी फार्मा बेटर क्यों है डी फार्मा से। तो मैं आपको बताता हूँ, बी फार्मा इसलिए बेटर है कि आगे चलकर एक ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, उनमें बी फार्मा एलिजिबल है और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल नहीं है। इसीलिए बी फार्मा बेटर क्यों है कि जो काम डी फार्मा से अपन को होगा, डी फार्मा से जो अपन करेंगे, मेडिकल खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर जा सकते हैं, वो काम तो अपन बी से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बी ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो काम डी से करेंगे वो काम बी से करेंगे। बल्कि एक फायदा क्या है कि अपन बी से हाई पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर अपनी इच्छा हो, अगर अपन कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर अपन थोड़ा और सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं तो अपन ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए बी फार्मा इज बेटर देन डी फार्मा। अब अगर अपन बात करें कोर्स की कि इसमें एडमिशन कैसे होगा, कैसे अपन डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या टेस्ट देना जरूरी है, तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपन देखते हैं कि एडमिशन के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो थ्रू बीपीटी टेस्ट,
बीपीटी टेस्ट क्या होता है और एक होता है डायरेक्ट ज्वाइन कॉलेज। अपन डायरेक्ट ज्वाइन कॉलेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट ज्वाइन कॉलेज क्या होता है। कि डायरेक्ट ज्वाइन कॉलेज में यह होता है कि आप डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप कोर्स में डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं, आप डायरेक्टली कोर्स में एंटर हो सकते हैं। आपको डी फार्मा करना है या बी फार्मा करना है, आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर अपन बात करें बीपीटी टेस्ट की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीटी टेस्ट जो लोग सीनियर में बायोलॉजी से हैं, जिनके पास में बायोलॉजी साइंस है, वो ही दे सकते हैं। मैथ्स वाले बीपीटी टेस्ट नहीं दे सकते हैं। और वैसे अगर अपन फार्मेसी में एंटर करने की बात करें, तो उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि बी फार्मा के लिए मैथ होना जरूरी है या बायो होना जरूरी है, ऐसा उल्लेख नहीं है। आप मैथ से हो तो भी कर सकते हो, और अगर आप बायो से हो तो भी कर सकते हो, एडमिशन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप बीपीटी टेस्ट के थ्रू जाना चाहते हो, अगर आप अच्छी स्कॉलरशिप से करना चाहते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और आप चाहते हो कि मैं बी फार्मा करूं, तो आप बायोलॉजी साइंस से होना जरूरी है। क्योंकि बायोलॉजी साइंस योग्यता है किसके लिए? बीपीटी टेस्ट के लिए। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी के क्षेत्र। वर्किंग प्लेस कौन सा होगा, किस फील्ड में अपन जा सकते हैं, कहाँ अपन को ज़्यादा प्रेफर मिलेगा, ठीक है। तो फार्मेसी का मतलब ड्रग्स से है, जहाँ पे भी ड्रग्स से रिलेटेड काम होगा वहाँ अपना रोल है। अब अपन ड्रग्स का नाम आते ही दो चीज़ें आदमी के दिमाग में आती है, एक तो होती है मेडिकल शॉप और दूसरा होता है हॉस्पिटल। ये दो चीज़ें आदमी को फर्स्ट इनसाइट आदमी क्या सोचता है ड्रग्स को लेके, कि ड्रग्स को लेके क्या सोचता है कि यार हॉस्पिटल या मेडिकल एंड ड्रग स्टोर, इनके बारे में सोचता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि भाई फार्मेसी के क्षेत्र में जैसे अपन देखते हैं कि भाई फार्मेसी का रोल कहाँ कहाँ है। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी ड्रग से रिलेटेड कोई भी काम होता है, वो सारे फार्मेसी के क्षेत्र हैं। जैसे ड्रग से रिलेटेड, जैसे जहाँ पे दवाइयों का बनना, स्टोरेज, दवाइयों की चेकिंग, दवाइयों का डिस्पेंस और दवाइयों की मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी काम होते हैं, वो सारे किससे रिलेटेड हैं? फार्मेसी से रिलेटेड हैं, वो सारे फार्मेसी के क्षेत्र हैं, ठीक है। जैसे ऐसे अपन देखते हैं कि भाई एक अपन इसको अगर क्लासिफाई करके अपन देखें कि भाई हर पोर्शन को बराबर बराबर अपन तोड़ के देखें, चेक करके देखें कि भाई हाँ रियल में ये चीज़ें इस चीज में कौन सी बॉडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आ रही हैं। तो अपन देखें कि एक मतलब इतने सारे काम है, एक मेडिकल का काम है, एक यानी कि मार्केटिंग का काम है, एक टीचिंग का काम है, एक ड्रग डिस्पेंसिंग का काम है। तो अपन देखेंगे भाई इतने सारे काम और थे एक डिपार्टमेंट के अंदर तो होंगे नहीं, तो ऐसे अपन इसकी सुविधा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। जैसे अब अपन देखें कि एक आता है प्रैक्टिस सेटिंग, ठीक है, दूसरा आता है इंडस्ट्री और तीसरा आता है अदर सेटिंग, ठीक है। अदर सेटिंग और इंडस्ट्री के बाद अपन बाद में करेंगे, पहले अपना काम है प्रैक्टिस सेटिंग। प्रैक्टिस का मतलब है फार्मेसी की प्रैक्टिस, फार्मेसी का मतलब है कि ड्रग से रिलेटेड जो भी अपन काम करने होंगे वो सब प्रैक्टिस सेटिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। ड्रग्स को डिस्पेंस करना, ड्रग्स को देना, ये सब प्रैक्टिस सेटिंग का काम है। इसमें अपन देखते हैं इसको फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका है कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरा आपका है हॉस्पिटल और तीसरा आपका है क्लिनिकल, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ फार्मेसी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, फार्मेसी वाले बंदे इस चीज़ के लिए यानी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कम्युनिटी हॉस्पिटल और क्लिनिकल। कम्युनिटी होती है समुदाय का मतलब जैसे CHC और PHC। PHC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब इसी से ही है, ये भी हॉस्पिटल से ही होते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है
कि हॉस्पिटल और क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब इन तीनों जगह फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फार्मासिस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। काम फार्मेसी का रोल क्या है, यहाँ पे भी उसको ड्रग को डिस्पेंस करना है, यहाँ पे ड्रग डिस्पेंस करनी है, यहाँ पे भी ड्रग डिस्पेंस करनी है, तीनों जगह काम क्या है, उसको दवाई ही देनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेटिंग यानी कि डॉक्टर एक पर्ची प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, पर्ची लिखेगा और उसके अकॉर्डिंग अपन दवाइयाँ देंगे। ठीक है, पेशेंट अपने पास में पर्ची लेके आएगा और अपन उसको दवाइयाँ डिस्पेंस करेंगे, दवाइयाँ देंगे, उसको बताएंगे कि भाई ऐसे लेनी है, कब लेनी है, सुबह लेनी है कि शाम लेनी है। ये सब चीज़ें क्या है, फार्मासिस्ट का रोल है और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस सेटिंग के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, फिर दूसरा अपन बात करें इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जब भी नाम आता है तो अपना अपने दिमाग में क्या आता है कि इंडस्ट्री का नाम जब भी आता है तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर अपन बात कर रहे हैं फार्मेसी की और अपन बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट का रोल दवाइयों से रिलेटेड है, तो इंडस्ट्री भी दवाइयों की होगी, दवाइयों से रिलेटेड सारे काम होंगे। तो अपन को यहाँ पे वही चीज़ देखनी है जो दवाइयों के लिए ज़रूरी है, जो इक्विपमेंट दवाइयों के लिए काम आते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं। ये काफ़ी क्लासिफिकेशन किया हुआ है इस चीज़ का, तो अपन देखते हैं कि जैसे अपन एक इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ अपन को ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये सब जो मैंने बताए हैं ना, ये अपन को अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में मिलेंगे। होगी एक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कंपनी, एक कंपनी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। इसका मतलब अपन देखते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है उस चीज़ को बनाना। ठीक है, उस चीज़ को बनाना, फॉर्मुलेट करना। ठीक है, अब इसके बाद में बन गई कोई चीज़, बनने के बाद में क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस, बनने के बाद अपन क्वालिटी कब श्योर करते हैं कि जब कोई चीज़ बन जाती है, बनने के बाद उसको देखते हैं कि हाँ ये सही है, बनी या नहीं बनी, उसको चेक करके देखते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्यों करते हैं कि अपन उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएं, जिस सोच से अपन ने दवाई बनाई है वो अपनी कारगर हो सके, अपन लोगों के मतलब मरीजों के रोगों को अपनी दवाई इफेक्टिव हो और अपन वो दवाई उसमें हेल्पफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड बढ़े। तो फार्मासिस्ट का इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिसर्च की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि नई नई बीमारियाँ हो रही हैं। अभी आपको एक बात बताऊँ, जैसे अभी अखबार में एक लेख आया था कि फार्मासिस्ट ही देगा कोरोना को मात। ये इसलिए कहा गया कि फार्मासिस्ट के ऊपर आज सभी की निगाहें हैं। क्यों, क्योंकि अब कोरोना का माहौल है, कोरोना महामारी का रूप ले लिया है, तो सबको ये विश्वास है कि दवाई से ठीक होगा, कोई इससे ऐसे तो झाड़ फूंक से तो होगा नहीं। ठीक है, दवाई से ठीक होगा और दवाई का नाम जहां आ गया इसका मतलब है काम फार्मेसी का है, काम फार्मासिस्ट ही करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल वाला हो, चाहे वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, फॉर्मुलेट वाला हो, सारा काम अपना क्या फार्मेसी से रिलेटेड है। तो अखबार में आई थी ये बात, तो एक देश पे देश की निगाहें अपने ऊपर है, तो ये काम किस में आता है, रिसर्च में। जैसे ये हुआ कोरोना फैली, तो जैसे साइंटिस्ट हैं जो फार्मा वाले हैं, अपन ने सोचा कि भाई हाँ इसके कैसे इसको यानी कि ओवरकम किया जाए, इस डिजीज से इतने लोग मर रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो दो तीन ड्रग्स हैं जो कुछ जगह यूज आती हैं, उनका ट्रायल करके देखे और फायदा हुआ। खैर कंट्रोल पूरी कंट्रोल में तो नहीं आई, लेकिन इन प्रोसेस चल रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी एक तरीके से, ये अगर फ्यूचर के लिए देखें तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं तो फार्मासिस्ट की ही याद आती है। फिर इसके बाद अपन देखें कि क्वालिटी कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसी से नहीं, क्वालिटी कंट्रोल सभी जगह ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हर आदमी की एक ही सोच होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ लूँ, और फिर अगर अपन बात सोचें फार्मेसी की, तो फार्मेसी का काम ड्रग्स है, और कोई भी आदमी चाहे कोई भी अगर आउटर कोई चीज़ हो उसमें आदमी नुकसान सह सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, तो क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वालिटी अगर कंट्रोल में रहेगी तो अपन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी
कर सकेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, खरीदेंगे, अपनी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इसेंशियल। इसके बाद अपन देखें रेगुलेटरी। रेगुलेटरी भी एक ऐसा फंक्शन है कि रेगुलेटरी का मतलब है जैसे अपन ने प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन सबको रेगुलेट करने का काम क्या है, रेगुलेटरी का काम है। रेगुलेटरी कहीं पे भी, जहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडी होती है उसका काम क्या होता है, सुपीरियर बॉडी होती है और वो सारे उसके अंडर में जो भी चीजें आते हैं सबको रेगुलेट करती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज को मतलब नियम से और कायदे से सभी चीजों को करवाए। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, इसका काम एक त्रिनेत्र वाला काम होता है कि पीछे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आगे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पीछे गलती हुई है तो आज हम दुख पाएंगे और आज अगर हम कोई गलती करेंगे तो फ्यूचर में हमारा नाम निशान मिट सकता है, कंपनी घाटे में जा सकती है। तो इसलिए रेगुलेटरी इज मोस्ट इसेंशियल, ठीक है। इसके बाद में आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अपनी दवाई बन गई, दवाई बन गई, अब दवाई का अपन बना के रखनी थोड़ी है, अपना काम दवाई को बेचना, और दवाई को बेचने के लिए अपने क्या चाहिए, हर चीज को कोई भी चीज सेल करनी उसके चीज मार्केट चाहिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स का मतलब है दवाओं की बिक्री, दवाओं की सेलिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपना नाम बढ़ेगा। मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए जैसे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव MR आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया, हर कोई जानता है MR को, ठीक है। MR होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसका काम होता है सेल्स को बढ़ाना। सेल्स को कैसे बढ़ाता है, आपका कोई प्रोडक्ट है, इसके पास में कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई होती है अपन इसको, तो ये जाता है कहाँ जाता है, ये सब फार्मेसी के कैंडिडेट होते हैं, MR भी फार्मेसी का कैंडिडेट होता है। वैसे तो आजकल MR की जॉब BSc वालों को मिल रही है, लेकिन जो नॉलेज, जो तरीके से एक फार्मासिस्ट कैंडिडेट बता सकेगा, एक फार्मासिस्ट बता सकेगा कि भाई दवाई कहाँ काम करेगी, कैसे काम करेगी, तो वो चीज़ें हर कोई नहीं बता सकता। फार्मेसी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये अगर अपनी चाहे मार्केट में अगर अपनी किसी अगर प्रोडक्ट में कमी भी है तो इसके ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे डिफाइन करेगा, कैसे उस चीज के बारे में बता पाएगा, क्योंकि बताना एक ऐसी कंडीशन है कि आदमी को, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, दवाई का फर्स्ट इम्प्रेशन अपने ड्रग का फर्स्ट इम्प्रेशन ये तय करेगा कि ये उस चीज के बारे में बताएगा कि ये क्यों दूसरे से अलग है, ठीक है। सेल्स को बढ़ा देता है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रैक्टिस सेटिंग अपनी हो गई, इंडस्ट्री कंप्लीट, और इसके बाद अपनी लास्ट आती है अदर सेटिंग। अदर सेटिंग ये सेटिंग है कि अपन को यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, कम्युनिटी हॉस्पिटल क्लिनिकल ये सब, इन सब चीज़ों में पहुँचने का जो रास्ता है वो यहाँ से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ से तो अपन फ्यूचर के सपने देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वो है, यहाँ से अपन को स्टार्ट यहाँ से करना होगा। ये फ्यूचर, ये आपका अगर आप करना चाहेंगे तो अपन यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। इसके बाद अपन जैसे इसमें आता है टीचिंग, साथ ही टीचिंग के लिए अपन एडमिशन कहाँ लेंगे, एकेडमिक्स, एकेडमिक का मतलब है शैक्षणिक, शैक्षणिक का मतलब है अपन को इस इन चीज़ों की नॉलेज कहाँ से मिलेगी। इन चीज़ों के लिए फार्मेसी एक अच्छा ऑप्शन है। फार्मेसी करेंगे तो अपन एक कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज एकेडमी में जाएंगे, वहाँ अपन को इन चीज़ों की, जो अपन ये काम सीखेंगे हॉस्पिटल के बारे में, इन सब चीज़ों को सीखने का ये सब काम करते हैं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स से अपन टीचिंग और रिसर्च, टीचिंग इसलिए क्योंकि वहाँ अपन को नॉलेज मिलेगी, नई नई नॉलेज मिलेगी और टीचर उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टीचर का एक बहुत अच्छा रोल इसलिए है, टीचर एक रेस्पेक्टेबल जॉब इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर तैयार करता है। एकेडमिक को अपन सीखेंगे अपने को फ्यूचर में काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करना है, हॉस्पिटल में कैसे काम करना है, रेगुलेशन कैसे करना है, सेल्स मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ों की मतलब जो बेस होता है, जो आधार जो होता है वो एकेडमिक्स या आपकी डिग्री की जो नॉलेज होती है, मतलब जो अपन कोर्स करते हैं उसमें अपन को ये चीज़ सिखाई देती है। ये इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज स्टार्टिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अपन देखते हैं, ये अपना था
इसके बारे में कि अपन कैसे उस चीज के बारे में नॉलेज ले। और फार्मेसी का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्किलफुल पर्सन चाहिए कि जो फ्यूचर में होने वाली चीज है वो समझ के और अच्छे से अपन को बता पाए। फार्मेसी का रोल अगर अपन देखें क्लिनिकल रिसर्च, ये आज के दिनों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च में भी क्या है कि अपन ड्रग्स का रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद उनके जो रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा फायदा होता है। फार्मासिस्ट का रोल इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पर एक होता है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी का मतलब एक तो आपने यहाँ पे रेगुलेटरी पढ़ा है, ये तो आपके एकेडमिक सेशन और क्लिनिकल रिसर्च के लिए रेगुलेशन है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन करेगा तो वो तो ये रेगुलेशन करेगा, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट रेगुलेशन करेगा ना वो क्या रेगुलेशन करेगा कि ये फार्मासिस्ट है, ये फार्मासिस्ट है, ये फार्मासिस्ट है, ये फार्मासिस्ट देखेगा कि ये फार्मासिस्ट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेगुलेशन का मतलब है कि कोई भी चीज, हर चीज जो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, हर चीज एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। किस चीज की रिक्वायरमेंट कब जरूरत है, किस चीज की कब रिक्वायरमेंट है, किस चीज को करने से अपन को इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी इज इम्पोर्टेंट एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। और यहाँ पे भी फार्मेसी का इसलिए रोल बहुत ज्यादा है कि यानी फार्मेसी इनको कंट्रोल करता है, साथ में ये अच्छे से कंट्रोल होंगी तो ये सारा सिस्टम जो है ये इसके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।